जय हिंद फ्रेंड, जॉब सर्च यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिविल मोटर ड्राइवर CMD की कंप्लीट जॉब प्रोफाइल के बारे में, जो कि बहुत सारी वैकेंसीज आपकी आउट की जा रही हैं। एयरफोर्स, नेवी, आर्मी तीनों में आपकी वैकेंसीज आउट की जा रही हैं। उसकी कंप्लीट जॉब प्रोफाइल के बारे में जानने वाले हैं, क्या आपकी फैसिलिटीज़ आपको मिलने वाली हैं उसमें, और क्या आपकी ड्यूटीज़ रहने वाली हैं, कहाँ पर आपको ट्रांसफ़र ले सकते हैं, क्या सैलरी आपको मिलेगी, प्रमोशन कितना होगा, ये कंप्लीट आपकी जानकारी इस वीडियो में लेंगे। तो कंप्लीट वीडियो को देख सकते हैं। पहले अपन क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। इसमें क्वालिफिकेशन आपकी 10th पास होना चाहिए। 10th पास के पास साथ ही आपका LMB लाइसेंस और आपका HMB लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। दोनों लाइसेंस आपके पास हैं तो ही आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। कहीं भी वैकेंसीज आपकी निकलती हैं तो 10th पास के साथ आपका LMB लाइसेंस, लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस प्लस HMB लाइसेंस। कई कैंडिडेट कंफ्यूज हो जाते हैं कि LMB लाइसेंस तो सर हमारा जमा हो गया और HMB बन गया है, तो भाई आपका यही मैं कहना चाहता हूं कि जो आपके पास एक लाइसेंस दोनों में से तो होगा ही। यदि LMB लाइसेंस यदि आपका जमा हो गया तो जो आपके उस पर डेट लिख दी जाती है कि आपका LMB लाइसेंस कब बना था और HMB कब बना था, दोनों की डेट उस पर आ जाती है। तो दोनों लाइसेंस में उसी में आ जाते हैं, LMB लाइसेंस में ही जो आपका HMB लाइसेंस होता है उसी में आपका दोनों लिख दिया जाता है। LMB का भी उसी में लिख दिया जाता है। दूसरी एक शर्त इसमें ये रखी जाती है कि जो भी आपके लाइसेंस हैं दोनों LMB या HMB, 2 साल पुराना आपका मिनिमम होना चाहिए। या तो आपका LMB लाइसेंस 2 साल पुराना होना चाहिए और या HMB है तो बहुत ही बढ़िया बात है। आपके पास HMB लाइसेंस 2 साल पुराना है तो बहुत ही बढ़िया बात है। तीसरी शर्त इसमें ये रखी जाती है कि 2 साल का आपको कहीं भी आप संस्था से या किसी भी आपको प्राइवेट डिपार्टमेंट से या किसी भी स्कूल से आपके 2 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इसमें मांगा जाता है। तो यह सर्टिफिकेट आप यदि गाड़ी चलानी आपको आती है अच्छे से तो कहीं से भी आप बनवा सकते हैं, स्कूल से भी बनवा सकते हैं या आप कहीं भी प्राइवेट संस्था से आप बनवा सकते हैं। ये आप चीज़ें, तीनों चीज़ें आपसे मांगी जाती हैं। आपके पास 10th पास होना चाहिए, उसके बाद में लाइसेंस होना चाहिए, LMB प्लस HMB दोनों होने चाहिए। उसके बाद में आपका 2 ईयर्स कंप्लीट होना चाहिए LMB को, उसके बाद में HMB को है तो बहुत ही बढ़िया बात है। तीसरी आपकी बड़ी बात है कि आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, तब आप इस फॉर्म को फिल कर पाते हैं। अभी इसकी एग्जामिनेशन की बात करें तो एग्जामिनेशन अभी AC सेंटर में आपकी 30 तारीख को 163 वैकेंसी पर जो वैकेंसीज आउट की गई थी उन पे आपकी एग्जामिनेशन हो चुकी है। एग्जामिनेशन में सभी जगह लगभग आपके 150 क्वेश्चन का ही पेपर रहता है। 120 मिनट आपको मिलती हैं जिसमें जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग आपकी रहती है, जनरल आंसर्स रहते हैं और इंग्लिश लैंग्वेज रहती है और न्यूमेरिकल रहते हैं। अब आपको मैं बता दूं, इसमें से अलावा किसी किसी एग्ज़ाम्स में नेवी की एग्ज़ाम्स में देखने को मिलती है या आपकी जो एयरफोर्स की एग्ज़ाम देखने को मिलती है उसमें 50 क्वेश्चन आपके ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन डाल दिए जाते हैं, जो कि आपकी ट्रेड से मतलब गाड़ी को आपको चलाने से संबंधित नियम आपको आने चाहिए। गाड़ी से रिपेयरिंग नॉर्मली आपको रिपेयरिंग के संबंधित आपको क्वेश्चन आने चाहिए। ऐसे क्वेश्चन आपके अब उसमें पेपर्स में दिए जाते हैं जो कि आपकी नेवी की एग्ज़ाम है और आपकी जो एयरफोर्स की एग्ज़ाम है उन दोनों में ही आपका ऐसा दिया जाता है। कुछ आर्मी की एग्ज़ाम्स भी हैं जिनमें भी आपके ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन दिए जाते हैं। अब इसके बाद में आपका आ जाता है फैसिलिटीज़। फैसिलिटीज़ में आपका बहुत सारे कैंडिडेट कमेंट्स आते रहते हैं कि सर क्या क्या हमें मिलेगा, इसमें क्या क्या आपको सुविधाएं रहेंगी। तो आपको मैं बता दूं कि कैंटीन की फैसिलिटी आपको रहने वाली है। मैंने आपको पहले भी वीडियो बना चुका हूं जिसमें मैं कैंटीन कार्ड भी आपको शो करके दिखा चुका हूं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। जो प्रोफाइल Part 1 में आप जाके चेक करेंगे तो कैसा आपको आई कार्ड मिलता है, कैसा कैंटीन कार्ड मिलता है, वो सब आपको पता चल जाएगा। मतलब आप कैंटीन से ग्रोसरी आइटम, मतलब जो घर में खाने पीने से लेके जो भी बड़े बड़े आइटम हैं, बाइक तक आप इसमें खरीद सकते हैं। तो जितने भी आपके कैंटीन की फैसिलिटी है वो आपको लागू रहेगी इसमें। उसके अलावा आपको लीव मतलब आपको छुट्टियां भी इसमें मिलने वाली हैं। 30 डेज़ आपको EL मिल जाएंगी, उसके बाद में आपको 8 CL मिल जाती हैं और 10 HPL मिलती हैं,
टोटल आपकी 48 छुट्टी आपको मिल जाती हैं। एचपीएल आपको मेडिकल पे ही आपको लागू होती हैं, बाकी की 38 जो छुट्टी हैं वो आप कभी भी कैसे भी ले सकते हैं। बाकी की इसके अलावा आपको साप्ताहिक में एक छुट्टी आपको मिलने वाली है, 7 दिन में कैसे भी एक दिन की आपको छुट्टी मिलेगी। तो वो छुट्टी यदि आपको नहीं मिलती है तो आपको लास्ट में रेस्ट मिलेगा 3 से 4 दिन का। मान लो आप लगातार ड्यूटी कर रहे हैं तो 3 से 4 दिन लगातार आप रेस्ट भी ले सकते हैं, क्योंकि जो ड्राइवर की ड्यूटी है वो एक इनिशियल ड्यूटी मानी जाती है। तो उसमें आपकी जो ड्यूटी है लगातार भी करवाई जा सकती है, 15 दिन 20 दिन लगातार भी आपकी ड्यूटी दी जा सकती है, और साथ में ही आपके दुर्गम स्थानों पर भी आपको जाने का प्रावधान इसमें रखा जाता है। आपके ड्राइवर्स में ड्राइवर की पोस्ट और कुक की पोस्ट दोनों ही आपकी आर्मी में इनिशियल पोस्ट मानी जाती हैं, उनमें आप बिल्कुल भी मना नहीं कर सकते, कहीं भी आपको कितने बजे भी आपको भेजा जा सकता है। तो ये दोनों चीज़ें आपकी इसमें होती हैं। उसके बाद में मेडिकल की, आप मेडिकल की फैसिलिटी आपको मिलती है, जो कि आपके अपने परिवार से संबंधित और आपको खुद को दोनों को मेडिकल फैसिलिटी भी आपको मिलती है, जो कि सरकार की तरफ से आपको प्रावधान लागू होता है, जिसमें CGHS आपको लागू बोलते हैं, सेंट्रल हेल्थ स्कीम आपके लिए लागू रहती है, उसके अनुसार आप फैसिलिटी ले सकते हैं मेडिकल की। उसके बाद में सीई अलाउंस, सी अलाउंस चाइल्ड के एजुकेशन अलाउंस भी आपको मिलता है, बाकी के बहुत सारे अलाउंस मिलते हैं लेकिन चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस भी आपको एक मुख्य रूप से मैंने फैसिलिटीज़ में रखा गया है, कि मतलब आपको जो जो भी आप यदि अपने बच्चे पढ़ते हैं कोई भी स्कूल में, फर्स्ट क्लास से लेकर 12th क्लास तक, आपको 27,000 रुपये प्रजेंट रेट, 27,000 रुपये के हिसाब से 54,000 रुपये दो बच्चों के ऊपर आपको पढ़ने का अमाउंट मिलेगा पर ईयर, पर एक साल में आपको 54,000 रुपये दो बच्चों तक आपको एजुकेशन अलाउंस भी मिलता है। उसके बाद में आपको मैं नेक्स्ट की बात, उसके बाद में सबसे बड़ी खुशी आप कैंडिडेट की होती है सैलरी के नाम से। सैलरी आपकी कितनी रहने वाली है आपकी ड्राइवर पोस्ट के लिए, तो ये आप देख सकते हैं। सैलरी के लिए मैंने आपको कंप्लीट दिया, इसमें कितनी सैलरी आपकी रहने वाली है। मैंने एक सिटी चॉइस की है बेंगलुरु, बेंगलुरु के हिसाब से मैंने पूरा कंप्लीट बनाया है कि किस हिसाब से आपकी पेमेंट रहने वाली है। बेसिक आपकी कहीं भी जाएंगे आपकी 19,900 आपकी बेसिक रहेगी, तो आप कहीं भी चले जाइए, आप कहीं भी जॉब करेंगे कोई भी सिटी में, 19,900 आपकी चेंज नहीं होने वाली है। फर्स्ट फर्स्ट बार जब ज्वाइन करते ही 19,900 आपकी बेसिक रहेगी। आज प्रेजेंट टाइम में, आज के दिन जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ उस दिन आपकी 34% DA है, तो DA आपको 34% मिल जाएगा। उसके बाद में HRA आपकी सिटी के अनुसार आपको HRA मिलेगा। आप सिटी के अनुसार कैसे HRA मिलेगा उसका पहले वीडियो में बता चुका हूँ मैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जिसमें आप जॉब प्रोफाइल पार्ट 1 में जाके चेक कर सकते हैं कितनी HRA के, कितना आपको किस सिटी के अनुसार आपको HRA मिलता है, उस हिसाब से आपको HRA मिलता है, HR मिल जाएगा। उसके बाद में सिटी के अनुसार ही आपको TPT लागू होता है, कौन सी सिटी में आप जॉब करेंगे उसी हिसाब से आपको TPT मिलेगा। TPT का 34% जो भी TPT होगा आपका, उसी अनुसार आपका 34% DA उस पर मिल जाएगा, उसके हिसाब से आपका टोटल बन जाएगा। कई कैंडिडेट बोल रहे थे कि क्या इसमें रिस्क अलाउंस मिलेगा, तो कैंडिडेट को मैं बता दूं कि यदि कोई हाल्टी वगैरह में, जैसे जम्मू कश्मीर या कहीं भी आप अरुणाचल प्रदेश वगैरह यहाँ आपकी ड्यूटी आती है तो ही आपको अलग से आधार अलाउंसेज मिलेगा। पीस एरिया में कहीं भी, पीस मतलब कहीं भी आप कोई भी सेंसिटिव इलाका नहीं है, नॉर्मल इलाके में जैसे बेंगलुरु में ड्यूटी कर रहे हैं या भोपाल में ड्यूटी कर रहे हैं, इंदौर में ड्यूटी कर रहे हैं, जयपुर में ड्यूटी कर रहे हैं, बठिंडा में ड्यूटी, अम्बाला में ड्यूटी, दिल्ली में ड्यूटी, कहीं भी इसके अलावा मतलब ऊपर सेंसिटिव इलाके नहीं है, जहाँ मतलब आपके जैसे लड़ाई वगैरह की या जो भी फौज जहाँ सेंसिटिव में रहती है वहाँ पे आपके इलाके नहीं है, तो आपको वैसा ऐसा अलाउंसेज कुछ भी नहीं मिलने वाला है, नॉर्मल आपको करना। ड्राइवर की ड्यूटी सबसे हार्ड ड्यूटी मानी जाती है, कुक और ड्राइवर दोनों की इनिशियल ड्यूटी होती है फौज में। कभी भी कहीं भी आपको कैसे भी किसी भी टाइम आपको बुलाया जा सकता है, कोई भी टाइमिंग नहीं है, किसी टाइम भी आपको बुलाया जा सकता है, रात को 2 बजे, 1 बजे, 5 बजे,
6 बजे इनिशियल ड्यूटी है, कभी भी आपको बुलाया जा सकता है। आप सोच रहे होंगे कि डिफेंस में सिविल मोटर ड्राइवर की वैकेंसी इतनी क्यों निकल रही है। सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल सरकार को इसी में है, सिविल मोटर ड्राइवर में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट है सरकार को, क्योंकि इनिशियल ड्यूटी के नाम पे आपको कोई भी अदर अलाउंसेज नहीं मिलते, लेकिन आपको ड्यूटी भी फुल ली जाती है, फुल काम करवाया जाता है, कभी भी बुलाया जा सकता है, कभी भी आपसे काम करवाया जा सकता है इसके नाम पे, इनिशियल ड्यूटी के नाम पे। तो सरकार इसी कारण हर विभाग में सबसे ज़्यादा CMD की ही वैकेंसी निकल रही है, सिविल मोटर ड्राइवर की वैकेंसी इसलिए निकाल रही है क्योंकि एक यदि फौजी आप यदि ड्राइवर रखती है तो उस फौजी ड्राइवर पे कंप्लीट आपको यहाँ पे, जैसे मैं आपको पेमेंट दिखा रहा हूँ 33,000 बेंगलुरु की पेमेंट दिखा रहा हूँ, ये तो सिटी वाइज है। यदि यहाँ पे फौजी एक पेमेंट लेगा, यदि एक फौजी ड्राइवर यहाँ पे शुरुआत में जब पेमेंट लेगा तो उसकी पेमेंट 50,000 से ऊपर उसको देनी पड़ती है सरकार को, और ड्यूटी भी सेम ही, वही ड्यूटी वो करेगा और वही ड्यूटी आप करेंगे, तो आप दे सकते हैं। इसलिए ही सरकार पागल नहीं है कि इसलिए आपकी बढ़ा चढ़ाकर जितनी ज़्यादा हो सके सिविल मोटर ड्राइवर की पोस्ट भरी जा रही हैं। फौजी जो ड्राइवर हैं वो बिल्कुल ही कम कर दिए जाएंगे, उनकी पोस्ट बहुत ही कम हो जाएंगी। अब धीरे धीरे आपकी फौजी ड्राइवर जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे ही नहीं फौज में से, इसीलिए आपकी ड्यूटी करवाई जाती है। बहुत ही हार्ड और टिपिकल ड्यूटी आपको इसमें मान सकते हैं ड्राइवर की ड्यूटी को। दूसरी बात, जो AAC सेंटर में वैकेंसीज आउट की जा रही हैं उनकी, अभी जैसे बेंगलुरु में वैकेंसीज आउट की जा रही हैं उसी हिसाब से मैंने एक ये चार्ट बनाया है, उसी हिसाब से आपकी पेमेंट का बेसिक मैंने आपको बताया। कहीं भी जाएंगे आपकी सेम बेसिक रहने वाली है, तो ये बेसिक आपकी सेम ही रहेगी 19,900। उसके बाद में DA है आपका 34% है फिलहाल, तो आपका इस 19,000 पे 34% आप निकालेंगे तो ये आ जाएगा। अब सिटी, सिटी के अनुसार आपकी जो बेंगलुरु सिटी है वो A1 सिटी है, मतलब अक्स सिटी में आती है, तो उसके आपको 5,400 रुपये वहाँ का अलाउंसेज है, HRA अलाउंसेज। यदि आपको यह रूम मिल जाता है या आपको सिंगल लिविंग लाइन, मतलब सिंगल आपको कहीं भी सरकार आपको रहने के लिए आपको दे देती है, मकान दे देती है, रूम दे देती है, या जो बेरिक बोलते हैं वहाँ पे फौज के वो दे देती है, तो ये आपका कट हो जाएगा, आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद में TPT आपको 1,350 रुपये मिलेगा वहाँ का, बेंगलुरु के हिसाब से। सिटी वाइज मैंने वीडियो बताया है, आपको जाके चेक कर सकते हैं, नीचे लिंक दी हुई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिसकी लिंक में आप पार्ट 1 दिया गया है, जो डिफेंस सिविल प्रोफाइल पार्ट 1 में जाके चेक कर सकते हैं कितनी पेमेंट किस हिसाब से सिटी वाइज रहती है, उसके बारे में कंप्लीट मैंने बताया हुआ है। 1,350 पे आपका जो DA है 34%, वो 469 रुपये हो जाएगा, और उसके बाद में आपका जो टोटल पेमेंट बन रहा है वो आप देख सकते हैं, टोटल पेमेंट आपका बन गया है 33,875 रुपये आपको टोटल बन जाएगा। इसमें से आपका 10% आपका जो है वो NPS न्यू पेंशन स्कीम, जो अभी मैं नेक्स्ट बताने वाला हूँ, न्यू पेंशन स्कीम में आपका पेमेंट कट जाएगा, तो 10% आपका कट के आपके बाकी के खाते में आपके आ जाएगा। 10% किसका कटेगा, ये ओनली इन दोनों का ही 10% कटेगा, बाकी की जो HRA है TPTL है इसका कोई भी आपका 10% नहीं कटता है, तो इन दोनों का ही 10% आपका कटता है। नेक्स्ट मैं आपको बताने वाला हूँ जिसमें कि आपकी पेंशन वाला जो सिस्टम है उसमें आपको कैसा क्या रहता है, उसके बारे में इसी में मैं आपको बताऊँगा। तो आप देख सकते हैं ड्यूटी हार्ड रहेगी, पैसा आपको जो मैं बताया ऐसा ही मिलेगा, कोई इनिशियल ड्यूटी का अलाउंसेज आपको नहीं मिलने वाले हैं। आप यदि जम्मू चले जाते हैं, श्रीनगर चले जाते हैं, अरुणाचल प्रदेश ईस्ट में चले जाते हैं, या कोई भी इनिशियल ड्यूटी, मतलब हाई इनसेंसिटिव इलाके होते हैं जो आपके आर्मी के जो अलाउंसेज जहाँ मिलते हैं अलग से एक्स्ट्रा अलाउंसेज जिस आर्मी वाले को मिलते हैं, उसी हिसाब से आपको कम अलाउंसेज मिलेंगे, उनसे भी कम मिलते हैं वहाँ से अलाउंसेज, तो वहाँ वो अलाउंसेस आपको मिल जाएंगे, बाकी की आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। ड्यूटी मैंने आपको बता दी है। अभी नेक्स्ट आपको जो पेंशन स्कीम के बारे में थोड़ा बता देता हूँ कि पेंशन स्कीम में क्या रहता है। इसका पेंशन स्कीम है, इसमें न्यू पेंशन स्कीम 2004 के बाद में आप किसी भी पैरामिलिट्री में चले जाएं, चाहे किसी भी और दूसरे विभाग में चले जाएं, अब तो अग्निवीर आ गए तो उनको भी छोड़ सकते हैं, पहले तो फौज में भी ऐसा था कि पेंशन मिलती थी, अब तो भूल जाइए कि पेंशन कहीं मिलने वाली है, अग्निवीर आने के बाद में अब उनमें से कौन सा परमानेंट होगा तो ही आपको पेंशन मिलेगी, नहीं तो पेंशन तो कहीं मतलब भी नहीं है कहीं भी।
मतलब आप कहीं भी कितनी भी प्रकार की सरकार आती हैं, हो सकता है आगे कुछ हो जाए पेंशन का भी, तो ऐसा कुछ नहीं कर सकते कि अभी आप रेट आप परमानेंट जॉब है आपकी 60 ईयर तक की, तो आप यदि हो सकते हैं अभी ज्वाइन कर रहे हैं 60 ईयर तक, पता नहीं कितनी सरकार आएंगी कितनी सरकार जाएंगी, तो आपकी पेंशन इसमें लागू भी हो सकती है। ऐसा पेंशन का टेंशन ज़्यादा नहीं लेना है दिमाग में, अपनी जॉब करनी है, परमानेंट जॉब है, सरकारी जॉब है, 60 साल तक की आपकी इसमें रहने वाली है। अभी इसमें मैं आपको बता देता हूँ पहले ही आपको कि 60 ईयर तक की परमानेंट जॉब है, जिसके बारे में मैं आपको लिंक में बता चुका हूँ, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जो प्रोफाइल में जाके आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद में आप देख सकते हैं न्यू पेंशन स्कीम एनपीएस में अंडर में ही आपकी ये न्यू पेंशन स्कीम कटती है, जिसमें आपका कितना कंट्रीब्यूशन रहता है, कंट्रीब्यूशन मतलब सेल्फ जो कंट्रीब्यूशन आ रहता है वो आपका जो बेसिक है मैंने बताया 19,900 प्लस जो डीए है आपका उसका 10% आपका कट जाएगा, जो 33,000 मैंने अभी अमाउंट बताया उसका 10% आपका कट के वो आपके खाते में जमा हो जाएगा, जब आप रिटायर होंगे तभी इस पैसे को आप निकाल सकते हैं। उसके बाद में जो सरकार क्या कर रही है एनपीएस के साथ साथ अपना क्या कर रही है कि 14% जो भी आपका जो कटेगा 10% उसी हिसाब से आपका जितना भी 14% बचे बनेगा बेसिक और डीए का जो भी 14% होगा वो सरकार भरती है, तो आपका टोटल 10% आपका और 14% सरकार का, मतलब आपके ये 10 रुपये कटे तो आपको सरकार कितना देगी 14 रुपये देगी, 14 रुपये देगी, तो टोटल कितने हो गए आपके 24 रुपये हो गए, ये खाते में आपके जमा होते जाएंगे और आपके बढ़ते जाएंगे धीरे धीरे, ये मनी आपकी बढ़ती जाएगी, इस पे आपको ब्याज मिलता जाएगा और ये पैसा आपका 3-4 डिपार्टमेंट में बांट दिया जाता है, और वहाँ से आपका पैसा क्या लग जाता है कहाँ शेयर मार्केट में। देखिए आप सरकार की स्कीम ये खतरनाक स्कीम है, शेयर मार्केट में आपका पैसा लग जाता है, लेकिन मिनिमम मैं भी आप जॉब कर रहे हो 8 साल हो गए तो मैं भी ये सोच रहा हूँ कि आप जो देखेंगे उसका आपको मैं बता दूंगा कि कैसे आपको देख सकते हैं आप, यदि सरकारी जॉब जब लग जाएंगे तो आप देखेंगे बिल्कुल, एनपीएस का एक वेबसाइट होता है उस पर जाके आप चेक कर सकते हैं, उसी हिसाब से आपका जो अमाउंट है उस पर मिनिमम मैं देख रहा हूँ कि जितना भी मेरा अमाउंट है उस पर लगभग 8% से ज़्यादा मुझे ब्याज मिल रहा है, तो आपको लगभग जहाँ भी आप यदि चाहे कहीं भी पैसा लगा रखा है आपका तो आपको मिनिमम 8% से ज़्यादा आपको ब्याज मिनिमम कहीं ना कहीं मिल ही जाता है, तो ज़्यादा टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। जो भी आपका 24 रुपये जो होगा, मान लो एक 24 रुपये का मैं उदाहरण दे रहा हूँ, उसी पे आपका टोटल 8% आपको लगभग ब्याज मिल जाता है सालाना। उसके बाद में नेक्स्ट है आपकी ड्यूटीज के बारे में, ड्यूटीज में आपको मैंने गाड़ी दिखाई है आपके सामने, ये तो एक मतलब नॉर्मल गाड़ी मैंने जो फौज में सबसे ज़्यादा चलती हैं उन गाड़ियों को मैंने फ़ोटो आपको दिखाया है, बाकी की फौज में बहुत सारी गाड़ियाँ होती हैं, शिवराज की भी गाड़ियाँ होती हैं, आपसी बाद में टाटा सफारी भी होती हैं, आपकी मारुति सियाज भी होती है। आप ध्यान से सुन रहे हैं तो आपको बिल्कुल वीडियो समझ में आ जाएगा, यदि सुन नहीं रहे हैं जल्दी स्किप कर रहे हैं तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तो आपकी सारी गाड़ियाँ इसमें रहती हैं, जिसमें आपकी बस भी रहती हैं, या आपके टाटा 2.5 टन होती है, इसको ALS बोलते हैं फौज में, या अशोक लेलैंड स्टेलियन रहती है 7.5 टन बोलते हैं इसको, बोलते हैं आपको जिप्सी, ये तो सबको पता होगा मारुति जिप्सी रहती है फौज में। उसके बाद में आपके टाटा सफारी भी रहती है फौज में, उसके बाद में आपकी मारुति सियाज भी रहती है, एम्बेसडर गाड़ी भी रहती है, उसके बाद में शिवराज की आपकी बसें भी रहती हैं, छोटी बसें भी रहती हैं, और शिवराज के बड़े ट्रक भी रहते हैं आपके पास, तो ऐसी सभी प्रकार की गाड़ियां आपको चलाने के लिए दी जाती हैं। आपको जब स्किल टेस्ट होता है तो मिनिमम यही गाड़ियां आपको दी जाती हैं, पहले आपकी बस, आपके 2.5 टन या ALS, सबसे ज़्यादा दी जाती है आपको स्किल टेस्ट के लिए आपकी ये गाड़ी ALS, अशोक लेलैंड स्टेलियन, यही गाड़ी ज़्यादा दी जाती है आपको स्किल टेस्ट करवाते वक्त। स्किल टेस्ट में जैसे अभी आपकी वैकेंसीज आउट की गई थी, एग्ज़ाम भी हो चुका है, अभी स्किल टेस्ट ही नेक्स्ट होगा, स्किल टेस्ट में जिसने क्लियर कर लिया उसका सिलेक्शन लगभग हो ही जाता है, क्योंकि स्किल टेस्ट में बहुत सारे कैंडिडेट फेल हो जाते हैं, स्किल टेस्ट मेन होता है इसमें। यदि आपको गाड़ी बिल्कुल चलानी नहीं आती है तो कोई भी ड्राइवर आपको नहीं रखेगा, आप ऐसे चाहे कितनी भी एग्ज़ाम दे के आ जाओ आपको गाड़ी तो बिल्कुल चलानी आनी ही चाहिए तभी आपको रखा जाएगा। वो आपका एक्सपीरियंस देखेंगे कि कहाँ का एक्सपीरियंस है और किस प्रकार का आप एक्सपीरियंस रखते हैं, यदि आपने कहीं भी किसी भी रोडवेज विभाग में आपने यदि काम किया है तो आपको सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी तो मिल ही जाएगी, क्योंकि आपकी रोडवेज यदि किसी कैंडिडेट ने चला ली, रोडवेज मतलब आपकी सरकारी परिवहन निगम आपने यदि किसी ने चला ली, जैसे यूपी की हैं, एमपी की हैं, और या एमपी में तो नहीं है वैसे,
और उसके बाद में राजस्थान में है, हरियाणा रोडवेज है, तो ये पंजाब की हैं, तो ये एक मिनिमम कर्नाटका की हैं और महाराष्ट्र की हैं। तो ऐसी गाड़ियाँ यदि आपने चला ली तो मिनिमम ये गाड़ी तो कोई मतलब ही नहीं है, आराम से आप चला सकते हैं, तो उनको प्रायोरिटी पहले मिलेगी। अब गाड़ी की ड्यूटीज़ की मैं बता दूं कि ड्यूटीज़ में आपको मैं बता दिया कि पहले ही आपको मैं कुछ बताया है कि ड्यूटीज़ आपकी एनी टाइम पूरी इनिशियल ड्यूटी है, कभी भी आपको बुलाया जा सकता है, 24 घंटे में कभी भी फ़ोन करके आपको बोल सकते हैं सर अभी आइए और आपकी ड्यूटी इस टाइम में लगाए दी गई है। और वो आपके जो सीनियर्स होते हैं अधिकारी या जेसीओ साहिबान होते हैं, आप फौजी फौज के ही रहेंगे, वो सिविलियन नहीं रहेंगे, वही आपकी ड्यूटी लगाएंगे, वो आपको भेजेंगे कि किस ड्यूटी पे किस टाइम में आपको जाना है, कौन सी गाड़ी लेके जाना है और क्या क्या वहाँ पे आपकी ड्यूटीज़ करनी है, वहाँ पे कहाँ तक आपको पहुँच को पहुँचा के और वहाँ कहाँ से आपको कुछ ड्रॉप करके लेके आना है, वो सब चीज़ें आपको बताई जाएंगी वहाँ पर। और उसके बाद में दूसरी बात ये है, इनिशियल ड्यूटी में आपको ये भी रहता है कि आपकी ये नहीं है कि आपको 7 दिन बाद में ही छुट्टी मिलेगी, हो सकता है आपको छुट्टी के दिन भी आपको बुला सकते हैं, ये बोल देंगे आपको बाद में रेस्ट दे दिया जाएगा। रेस्ट का मतलब ये है कि ये लगातार आप यदि ड्यूटी कर रहे हैं, 7 दिन में आपको छुट्टी नहीं मिली है, तो बाद में आपको यदि साथ में दो छुट्टियाँ साथ में मिल सकती हैं 15 दिन में। यदि आप घर छुट्टी चाहना चाहते हैं तो आप मिनिमम 4 से 5 रेस्ट एक साथ ले सकते हैं, इसके लिए आपका फ़ायदा हो जाएगा ये कैंडिडेट के लिए, जो भी ड्राइवर कैंडिडेट है उनके लिए, कि जब भी आप कहीं यदि बाहर के रहने वाले हैं तो आपको 3 से 4 छुट्टी आपको क्या है रेस्ट जो मिलेंगे लगातार आपके ड्यूटी करते हैं, तो ये यदि इकट्ठी कर लेते हैं आप लगातार 3 से 4 ड्यूटी आप लगातार करते रहते हैं, 3 4 से छुट्टी आपकी हो जाती हैं, वो एक साथ आप रेस्ट के रूप में ले सकते हैं। उसके बाद में इनिशियल ड्यूटी में तो जो भी आपको अफसर या जो भी आपके जेसीओ साहिबान जो होंगे वो आपके जो भी क्वार्टर मास्टर से डिटेल करेंगे आपकी ड्यूटीज, वो ड्यूटी आपको कंप्लीट करनी होती है। उसके बाद में नेक्स्ट होता है इसका, आपका गाड़ी का भी पूरा मेंटेनेंस आपको रखना होता है। मेंटेनेंस के बारे में मतलब आपको ड्राइवर को कंप्लीट ड्यूटी आपको इन्फॉर्म करना होगा, जो भी आपका सीनियर है अधिकारी है या सीनियर जो भी है उसको आपको इन्फॉर्म करना होगा कि ये गाड़ी में ये प्रॉब्लम है, ये A to Z गाड़ी में प्रॉब्लम आपको पता होनी चाहिए कि उसमें इंजन की प्रॉब्लम है, ऑयल नहीं है, ब्रेक ऑयल नहीं है, ब्रेक शूज़ नहीं है। जब भी आप गाड़ी पे बैठेंगे उससे पहले सारी चीज़ें आपको चेक करनी होती हैं, चेक करके आपको बिल्कुल आपके जो सीनियर अधिकारी हैं उनको आपको बताना होता है कि सर इसमें ये प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मैं गाड़ी नहीं ले जा सकता, या साहब इसमें ये गाड़ी का ये प्रॉब्लम है इसकी वजह से ये रिपेयरिंग के लिए आगे बढ़ाई जाए इसकी प्रोसेस, तो वो क्या करेंगे आपकी जो भी प्रॉब्लम है उनके लिए आगे आपको वर्कशॉप में भेजेंगे रिपेयर के लिए। तो आपको ये बिल्कुल उसमें इनिशियल ड्यूटी में आपका आता है, जब भी आप ड्यूटी यदि कर रहे हैं गाड़ी चलाते वक्त उससे पहले सबसे चीज़ें पूछी जाती हैं आपसे कि भाई आपको ये गाड़ी के बारे में नॉलेज है कि नहीं है, ये सभी चीज़ें आपको आनी चाहिए, ये स्किल टेस्ट में भी पूछी जाती हैं, गाड़ी का कंप्लीट नॉलेज आपको होना चाहिए कि उसमें क्या क्या चीज़ें वहाँ पर लगती हैं और क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए, वो सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके अलावा तीसरी ड्यूटी है आपकी एक कार डायरी होती है। कार डायरी मतलब ये होती है एक बुक दे दी जाती है आपको जिसमें आपकी जो ये नहीं है कि गाड़ी कहीं भी दौड़ा दी, उसमें प्रॉपर एक डायरी में लिखा जाता है, अथॉरिटी डाली जाती है कि किसने मतलब किस आधार पर ये गाड़ी जा रही है और कितने किलोमीटर गाड़ी जा रही है। नहीं ऐसा तो आपने सोच रखा होगा कि गाड़ियाँ तो ऐसे ही घूमती हैं फौज की, गाड़ियों का प्रॉपर एक मेंटेनेंस होता है, पूरा आपका मेंटेन होता है, एक रजिस्टर होता है, एक छोटी बुक होती है आपके पास, यदि वो बुक आपके पास नहीं है तो आपको CMP जो मिलिट्री की जो पुलिस होती है वो प्रॉपर कभी भी आपको पकड़ सकती है, कभी भी आपको पूछ सकती है कि ये गाड़ी कहाँ जा रही है, किसके कहने पे जा रही है और क्यों जा रही है। तो वो डायरी आपको प्रॉपर मेंटेन करना होता है, उसमें सब कुछ लिखा रहना होता है कि कहाँ गाड़ी जा रही है, किसके कारण गाड़ी जा रही है, किसकी अथॉरिटी से ये गाड़ी जा रही है, तो वो कंप्लीट आपको डायरी मेंटेन आपको ड्राइवर को ही करना होता है, नहीं तो आपको जो CNP है मिलिट्री पुलिस है वो आपको बीच में ही पकड़ लेगी और आपको कार्रवाई की जाएगी, जो भी अनुशासनात्मक कार्रवाई आपकी की जाएगी।
दूसरा आपका जो रहता है, आपका एक ड्राइविंग लाइसेंस बना के दिया जाता है, जो फौज के अनुसार आपको एक लाइसेंस दिया जाता है कि फौजी गाड़ी के लिए आप ये एग्रेबल हैं और आप ये गाड़ी चला सकते हैं, इसके लिए आपको एक लाइसेंस दिया जाता है, उसको बिल्कुल आपको प्रॉपर संभाल के रखना है। CMP जब भी मिलिट्री पुलिस आपको कभी भी रोकती है, उस टाइम में आपको प्रॉपर उसको दिखाना है। तीसरी चौथी आपकी ड्यूटी माने कि जितनी भी आप यदि गाड़ी चलाते हैं तो बिल्कुल कानून नियम से आपको गाड़ी चलानी है, उसके नियम कंप्लीट आपको जो भी संकेत हैं आपको, जैसे सिविल में आप कहीं जाते हैं तो आपके जो संकेत लगे रहते हैं उनका कंप्लीट आपको, रोड साइड जो होते हैं संकेत उनको आपको कंप्लीट आपको पता होना चाहिए, उनके बारे में कंप्लीट आपको नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट आपकी ड्रेस है, ड्रेस में आपका बिल्कुल इसमें प्रॉपर ड्रेस होती है, आपके ब्लैक शूज़ रहेंगे, इसमें आपका बेल्ट रहेगा, नेम प्लेट आपकी लगी रहेगी, उसके बाद में आपका कंप्लीट आप देख सकते हैं, ये ड्रेस आपकी रहती है, खाकी ड्रेस आपकी रहती है। खाकी ड्रेस में कई प्रकार से अलग अलग ड्राइवर अलग अलग ड्रेस में सिला लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी एक थोड़ी गहरी है, एक वाइट थोड़ी सी ज़्यादा है, तो ऐसी ड्रेसेस आपको सिलने के लिए आपको देनी होती है, आपको ये बिल्कुल प्रॉपर ड्रेस आपको पहननी होती है, ड्राइवर में बिल्कुल भी कोताही बरत नहीं सकते, ड्रेस पहननी ही होगी आपको, जिसका आपको ड्रेस का 5,000 रुपये सालाना, साल में एक बार 5,000 रुपये जुलाई में आपको मिल जाएंगे उसके ड्रेस के, तो आपको ड्रेस तो पहननी ही होगी। ये ड्रेस आजकल ज़्यादातर चल रही है, फॉर्म में है, लड़के ज़्यादातर यही ड्रेस आपके सिलवा रहे हैं, यही ड्रेस ज़्यादा पहनते हैं, बाकी के पुराने जो ड्राइवर्स हैं वो अपनी मर्जी से जैसी पहने वैसे पहन लेते हैं, बाकी की आजकल जो नए आपके ड्राइवर्स हैं जो अपनी ड्रेस का पैसा जो मिलता है अच्छे से बढ़िया से फिर ड्रेस सिलवाते हैं, और बढ़िया अच्छा लगता है, बहुत ही पहनने में बहुत ही शानदार ड्रेस लगती है। बीच में आपका जो चौड़े वाला आपका जो बेल्ट होता है फौज में जो पहना जाता है वो पहन सकते हैं, उसके बाद में आपकी नेम प्लेट होगी और प्रॉपर आपके जूते ब्लैक शूज के आपके जो ड्यूलियस जूते आप पहन सकते हैं वो सब कंप्लीट आपके होंगे। ड्रेस को इतने तरीके से सिलाइए कि आपका एकदम ऐसे लुक शानदार लगे, तो वो तो आपको पैसा मिलता है 5,000 रुपये, उसमें आप कुछ भी सिलवा सकते हैं, कैसी भी ऐसी शानदार खाकी कैसी भी ड्रेस खाकी वाली सिलवा सकते हैं किसी भी प्रकार की, तो वो आपको 5,000 रुपये ड्रेस के मिलते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट, उसके बाद में सबसे ज़्यादा जो जिज्ञासा कैंडिडेट की रहती है प्रमोशन के लिए, तो प्रमोशन का आपको बता दूं, एक तो आपका सीनियरिटी बेस आपका प्रमोशन रहता है, सीनियरिटी बेस के आधार पर ही आपका प्रमोशन रहता है। वो क्या रहता है, आपका ड्राइवर से ड्राइवर में ही रहेगा, अफसर नहीं बनने वाले, इसमें ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ड्राइवर से आपका ग्रेड 1 आपका आ जाएगा, सिविल मोटर ड्राइवर ग्रेड 1 आ जाएगा, आपका सेकेंड आ जाएगा, उसके बाद में थर्ड आ जाएगा, बस आपका इतना ही चलता है। आपका सिविल मोटर ड्राइवर CMD ग्रेड 1 से CMD ग्रेड 2 और CMD ग्रेड 3, बस आपका इसमें पेमेंट बढ़ता रहता है। ग्रेड 1 में सेकंड में आपका यदि जैसे 19,900 है तो उसके बाद में आपका ग्रेड 2 में आपका बढ़ जाएगा, आपका जो बेसिक है उसका आपका बढ़ जाता है, उसमें और कुछ नहीं है, बाकी के आपका जो ड्राइवर है ड्राइवर ही रहता है, ग्रेड आपके बस ग्रेड 1 ग्रेड 2 ग्रेड 3 आपका प्रमोशन इसमें चलता है। उसके बाद में आपका जो दूसरा है, आप क्या कर सकते हैं यदि बोले तो, मतलब कि आपके ड्राइवर में लग गए अच्छे पढ़े लिखे हैं और आपको यदि बहुत ही अच्छा आपको पढ़ाई का नॉलेज है तो आप यदि दूसरी जॉब पकड़ना चाहते हैं तो आप एक NOC का ऑप्शन ले सकते हैं। NOC का ऑप्शन ये है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता है, जो कि आप यदि 3 साल आपकी सर्विस कंप्लीट हो जाती है तो ही आप इस NOC को ले सकते हैं, एक ऑथराइज तरीके से अपने ऑफिस से, जो आपकी ऑफिसेज रहती हैं वहाँ से अप्लाई करनी होती है कि सर मैं कहीं दूसरी जॉब के लिए ट्राई कर रहा हूँ और वहाँ पे मुझे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए, तो वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं और दूसरी जगह कहीं भी अप्लाई करके आप दूसरी जगह जॉब पा सकते हैं, तो दूसरी अच्छी जॉब भी आप पा सकते हैं। इसके बाद में आपका रहता है डेपुटेशन बेसिस या ऑब्जेक्शन बेसिस जो रहता है, ये आपके हर विभाग में अलग अलग निकलता रहता है। अभी कुछ कार ड्राइवर की वैकेंसीज़, जो स्टाफ कार ड्राइवर है ग्रेड 1 की वैकेंसीज़ आपकी पोस्ट ऑफिस में देखने को मिलती हैं डेपुटेशन बेसिस पर या ऑब्जेक्शन बेसिस पर। इसके अलावा न्यायिक जो क्षेत्र होते हैं, न्यायिक जो अधिक आपके हेडक्वार्टर होते हैं उनमें भी डेपुटेशन बेसिस पर आपकी रहती हैं वैकेंसीज, ऑब्जेक्शन बेसिस पर रहती हैं। डेपुटेशन ये रहता है कि आपको 3 से 4 साल आपको कहीं भी दूसरे डिपार्टमेंट में काम करने का मौका मिल जाता है, यदि आपके यदि अधिकारी ने साइन कर दिए आपको जाने के लिए अनुमति दे दी तो आप जा सकते हैं। उसके बाद में ऑब्जेक्शन बेसिस ये रहता है कि यदि आप इसमें छोड़ के आर्मी
आर्मी को छोड़ के कहीं भी दूसरे में ट्रांसफर ले लेते हैं, मतलब आपको वहाँ पे यदि अधिकारी छूट देता है, अनुमति देता है, आपके साइन जो ऑथराइज साइन होते हैं, एक फॉर्मूला मतलब फॉर्म होता है, उनको भर के आपको अप्लाई करना पड़ता है। जब भी वैकेंसी निकलती हैं तब आप वहाँ से आप जा सकते हैं दूसरे डिपार्टमेंट में चेंज करके ड्राइवर के ही रूप में। इसके बाद में आपके लास्ट जो चांस है आपको मैं बताऊं तो इसमें ये रहता है कि आप कहीं भी कुछ भी आप नहीं लीजिए, डायरेक्ट आप ज्वाइनिंग कर लीजिए। उसके बाद में कोई भी आप फॉर्म अप्लाई करते हैं या पहले से आपने अप्लाई किया हुआ है कोई भी फॉर्म आपका, तो आपको ये करना है, ओनली कुछ नहीं करना है, आपको पढ़ाई करिए। उसके बाद में यदि आपकी ज्वाइनिंग हो गई वहाँ पर तो आप सीधा यहाँ रेजिग्नेशन लेटर दे दीजिए, यहाँ पे आपको रेजिग्नेशन लेटर देना है और आपका सीधा नौकरी छोड़ देना है और उसमें जाके ज्वाइन कर लेना है। तो ये तो हुआ सीधा तरीका यदि आपके पजे अच्छे पढ़े लिखे हैं तो। इसमें एक ही ऑप्शन बिल्कुल नहीं रहता है कि डिपार्टमेंट्री वैकेंसी नहीं निकलती हैं आपके लिए प्रमोशन के लिए, क्योंकि आपकी ग्रेड आपकी लेवल टू की ये वैकेंसीज हैं, इसलिए आप अप्लाई नहीं कर सकते। जो भी एलडीसी वगैरह के लिए प्रमोशन की जो वैकेंसी आती हैं डिपार्टमेंटली, उसमें आप बिल्कुल अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि लेवल टू की वैकेंसी तो आपकी पहले से ही हैं। ये कुक और ड्राइवर दोनों ऐसे ट्रेड हैं उनके लिए तो आप डिपार्टमेंटली एग्ज़ाम भी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि ऐसी वैकेंसीज ये निकाली जाती हैं लेवल टू की वैकेंसीज करके इनको निकाल दिया जाता है, जिससे आप लेवल वन के कैंडिडेट ही डिपार्टमेंटली एग्ज़ाम दे सकते हैं जो नेक्स्ट एलडीसी वगैरह के प्रमोशन के लिए। लेवल टू की वैकेंसीज होती हैं 19,900 जिनका बेसिक होता है, वो तो अप्लाई भी नहीं कर सकते, चाहे फायरमैन हो, चाहे ड्राइवर हो, चाहे फायर इंजन ड्राइवर हो, चाहे आपका कुक हो। ये सभी के लिए मैं बता रहा हूँ कि ये कहीं भी अप्लाई दोबारा से डिपार्टमेंटली वैकेंसीज में नहीं अप्लाई कर सकते, क्योंकि इनका लेवल टू है इसलिए। उसके बाद में नेक्स्ट सबसे लास्ट में आपको मैं बता रहा हूँ ट्रांसफ़र के लिए। ट्रांसफ़र ये है कि आप कहीं भी ऑल इंडिया में ट्रांसफ़र ले सकते हैं, ओनली डिफेंस में, कहीं भी ऑल इंडिया में। डिफेंस में मतलब नेवी, एयरफोर्स, आर्मी, तीनों में कहीं भी आप जा सकते हैं, कोई भी यूनिट में। आप ट्रांसफ़र जब भरते हैं तो आपका जो जो रिकॉर्ड में जहाँ जाता है, जो भी आपकी ऑफिसेज रहती हैं, जो आर्मी एमओडी है वहाँ पे आपका रिकॉर्ड के लिए आपका जाता है, वहाँ से आपकी जो ट्रांसफ़र के लिए वीके आउट की जाती है, मूवमेंट ऑर्डर जो बोलते हैं उसको आउट किया जाता है। तो वो वैकेंसीज ये नहीं देखता कि आप एयरफोर्स से नेवी में जा रहे हैं, नेवी से एयरफोर्स में जा रहे हैं, आपको जगह देखता है, जगह ही आपको भरनी पड़ती है। मतलब आपको जैसे भोपाल में रहना, भोपाल में ज्वाइनिंग कर रखी है, भोपाल में आपकी ड्यूटी आई है और आप जयपुर जाना चाहते हैं, तो आप जयपुर के लिए किसी भी कारण आप यदि भरते हैं तो आप जैसे इसमें क्या हो रहता है, ट्रांसफ़र के आपके कुछ कारण दिखाने पड़ते हैं कि मेरे माता पिता सिंगल हैं और मैं सिंगल उनका लड़का हूं, या दूसरा आपके जैसे माता पिता बीमार हैं और मैं वहां पे अभी कोई मेरे पास रहने लायक नहीं है, तो इसके वजह से मैं पास में जाना चाहता हूँ जिससे माता पिता की देखभाल कर सकूँ। तो ऐसे ही आपको एक एक कारण देने पड़ते हैं, रीज़न देने पड़ेंगे, उसी आधार पर आपका यदि अफसर रिकमेंड करता है आपके लिए कि ट्रांसफ़र के लिए, तो आप वहाँ से ट्रांसफ़र ले सकते हैं। दूसरा आपका रहता है म्यूचुअल ट्रांसफ़र। म्यूचुअल ट्रांसफ़र में मैं आपको कहना चाहूँगा म्यूचुअल ट्रांसफ़र बहुत ही अच्छा ट्रांसफ़र माना जाता है। जैसे कि आपका कोई भोपाल में ज्वाइनिंग किया है और मान लो कोई चेन्नई का कैंडिडेट भोपाल में ज्वाइन कर रहा है, चेन्नई, और आप चेन्नई ज्वाइनिंग कर रहे हैं, तो भोपाल का कैंडिडेट यहाँ आ जाएगा और वो चेन्नई वाला वहाँ चला जाएगा, दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। मतलब आपके ड्राइवर हैं तो यदि आप ड्राइवर में इंटरचेंज कर सकते हैं एक दूसरे की जगह को, तो इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, कोई भी आपको ज़्यादा फटिक नहीं रहती। म्यूचुअल ट्रांसफ़र में आपकी कोई भी लिमिट नहीं रहती, किसी भी प्रकार आप अप्लाई कर सकते हैं और किसी हिसाब से भी आप म्यूचुअल के लिए जा सकते हैं। मतलब आपको म्यूचुअल में आपको इसलिए परेशानी नहीं रहती है कि आपके बदले यहाँ कोई आ गया और यहाँ उनके बदले आप वहाँ चले गए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है। अफसर को भी कोई दिक्कत नहीं रहती है, उनको तो बस ड्राइवर चाहिए, कहीं से भी मिलना चाहिए, इसलिए ज़्यादा म्यूचुअल ट्रांसफ़र में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है आपका। इसमें आपका म्यूचुअल जो नॉर्मल ट्रांसफ़र है वो भरने के लिए मिनिमम 3 साल चाहिए, इसकी कोई भी लिमिट नहीं है, कभी भी आप भर सकते हैं। तो इसमें देख सकते हैं ये आपके बताए हैं मैंने दोनों आपको। आदर्श में आपको बात वही बताना चाहता हूँ कि आदर्श में आपके कोई भी मेडिकल कैटेगरी या अपनी हस्बैंड वाइफ का भी ये आप ऑप्शन दे सकते हैं। यदि आपकी कोई वाइफ यदि
किसी दूसरी सिटी में जॉब कर रही है तो आप वहाँ जाके ट्रांसफ़र ले सकते हैं, उनका भी डॉक्यूमेंट दिखा के कि वहाँ पे उनकी वाइफ जॉब कर रही है। या तीसरा ये दे सकते हैं ऑप्शन कि आप यदि पीडब्ल्यू की कैंडिडेट हैं, किसी भी प्रकार के घर में कोई आपके फिजिकली हैंडीकेप्ड है और वो आपके कारण बिना आपके दिक्कत आ रही है उनको बहुत ज़्यादा, तो उसके लिए भी एक कारण आप दे सकते हैं ट्रांसफ़र के लिए। लेकिन इसकी आपकी शर्त है 3 साल मिनिमम आपका होना चाहिए। म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए सबसे बेस्ट है किसी भी म्यूचुअल ट्रांसफ़र के ग्रुप में ऐड हो जाइए, वहाँ से आप कैंडिडेट को मैसेज कर दीजिए कि आपको यहाँ जाना चाहते हैं और यहाँ पे आपको कोई आना चाहता है तो आप कर आ सकता है। तो इससे जल्दी आपको म्यूचुअल ट्रांसफ़र वाला कोई भी कैंडिडेट आपको मिल जाता है और जल्दी आप म्यूचुअल ट्रांसफ़र करके अपने घर के पास पहुँच सकते हैं या आसपास के इलाके में पहुँच सकते हैं जो से आपके बिल्कुल पास में होता है। तो ये आपके ट्रांसफ़र के बारे में हो गया। आप ट्रांसफ़र के अलावा मैं थोड़ा सा एसी सेंटर की जो यूनिट है उनके बारे में बता देता हूँ। जो एसी सेंटर की यूनिट होती है, जो टीपीटी बोलते हैं, सिविल जीटी या टीपीटी बोलते हैं, टीपीटी या सिविल जीटी बोलते हैं। सिविल जीटी में पूरे ड्राइवर ही ड्राइवर होते हैं, सिविल जीटी के नाम से एसी सेंटर की यूनिटें रहती हैं या टीपीटी की नाम से आपकी यूनिटें रहती हैं। तो एसी सेंटर वालों के लिए मैं बताना चाहूँगा कि आपकी जो जीटी या टीपीटी में यदि आपकी कहीं भी ड्यूटी आती है, ज़्यादातर यूनिटें जो एसी की हैं वो सारी सिविल जीटी या सिविल आपकी टीपीटी यूनिट ही रहती हैं। यदि उनमें क्या दिक्कत रहती है, हर 5 साल में आपको पोस्टिंग कर दिया जाता है, अपने आप वहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा और कहीं आपको दूर ऐसी जगह भेजा जाएगा जहाँ आपको एक बार तो कर निकाल के आना ही पड़ेगा। 3 साल का टर्नओवर, 3 साल का टर्नओवर मतलब आपको फील्ड में जहाँ आपको लद्दाख हुआ, जम्मू कश्मीर हुआ, श्रीनगर हुआ और या अरुणाचल प्रदेश हुआ, मणिपुर, नागालैंड और आसाम, कहीं भी आपको एक दुर्गम दुर्गम स्थान पर आपको भेजा जाएगा, वहाँ पे आपको ड्यूटी करके ही आनी पड़ेगी। 3 साल में आपको जाना ही पड़ेगा वहाँ पे। तो इनमें यह सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो एसी में ज्वाइनिंग करते हैं उन कैंडिडेट के लिए, मिनिमम 5 साल के बाद में आपकी पोस्टिंग कर दी जाती है। उसके अलावा मैं आपको ये भी बता देता हूँ, जो क्लीनर की जो पोस्ट है, आपको बता रहा हूँ मैं, क्लीनर की जो पोस्ट है ड्राइवर के साथ ही रहती हैं, वो आपका सहायक है, मतलब जो ड्राइवर के साथ रहने वाला सहायक ही क्लीनर है, कोई सफाई वाला नहीं होता है क्लीनर। कई कैंडिडेट्स बोलते हैं सर मेरा क्लीनर में हुआ, वहाँ क्या साफ़ सफाई करवाएंगे मुझसे। क्लीनर मैं आपको बता दूं, ड्राइवर का जो सहायक होता है वही आपका ड्राइवर क्लीनर होता है, वो आपके बिल्कुल साथ रहेगा जब भी आप कहाँ जाएंगे। क्लीनर की भी पोस्टिंग होती रहती है इधर से उधर, और कैंप गार्ड जो होते हैं उनकी भी पोस्टिंग सिविल जीटी इन्हीं में रहती है और उनकी भी पोस्टिंग 5 साल में एक दूसरे ट्रांसफ़र रहती है यूनिटों में अपने आप होती है। और आपको भी ऐसी जगह भी जाना पड़ता है जहाँ दुर्गम स्थान है, वहाँ पर भी आपको जाना पड़ता है। जो भी कैंप गार्ड हैं, क्लीनर हैं और जो आपके चौकीदार हैं और जो आपकी ये ड्राइवर पोस्ट हैं, एसी सेंटर में यही रूल सबसे ज़्यादा परेशान करने वाले रहते हैं। बाकी की जो कहीं भी यूनिट में अलग से वैकेंसी निकलती हैं एसी को छोड़कर, एएससी को छोड़कर कहीं भी, जैसे आपकी वैकेंसी इन्फेंट्री स्कूल मऊ में सीएमडी की, सिविल मोटर ड्राइवर की ये वैकेंसी निकली हुई है, तो वो बहुत ही शानदार जॉब है, उसमें वहीं परमानेंट 60 ईयर तक आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। 60 साल तक आपको हिलना ही नहीं है कहीं, मऊ में ही आप परमानेंट जॉब निकाल लेंगे। लेकिन एएससी सेंटर में सबसे बड़ी दिक्कत यही आती है, जहाँ भी आपकी ड्यूटी देते हैं उनमें लगभग आपका इधर से उधर आपको ट्रांसफ़र करते ही रहते हैं, इससे बड़ी बड़ी दिक्कत वाली प्रॉब्लम होती है। दूसरी सिविल जीटी एससी और जो आपकी टीपीटी वाली होती हैं उनमें आपके अंदर ही रहने की व्यवस्था होती है और कभी भी आपको कहीं भी जाने की ज़्यादा आपके प्रॉब्लम रहती है, कहीं भी आपको भेजा जा सकता है, आपको 500 किलोमीटर के दायरे में कहीं भी भेजा सकता है। जैसे आप भोपाल ड्यूटी कर रहे हैं, भोपाल से आपको पूना भी जाना पड़ सकता है, आपको कहीं भी मतलब ऑल इंडिया में जाना पड़ सकता है। आपकी कार्रवाई भी चलती है, कार्रवाई का मतलब ये होता है जम्मू से लेके श्रीनगर तक डेली आपको अप डाउन अप डाउन अप डाउन करना पड़ सकता है। ये आपकी ड्यूटी में आपका हार्ड ड्यूटी रहती है एसी, और जो भी वैकेंसी निकल रही हैं एसी में ज़्यादा निकल रही हैं, बाकी और भी नेवी में भी अभी वैकेंसीज आ चुकी हैं, अब जिसका जल्दी मैं आपको वीडियो लेने के आने वाला हूँ। और बहुत सारे डिपार्टमेंट जैसे कि आपके इन्फेंट्री स्कूल में भी निकली थी, 19-20 वैकेंसी थी, बहुत ही अच्छी वैकेंसी थी, और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट में जिनमें निकल रही हैं, तो वो बहुत ही अच्छे डिपार्टमेंट हैं, उनमें भी अप्लाई करिए। और उनका यह रहता है कि एक ही जगह लगभग आपकी प्रमोशन जो आपके ड्यूटी है वो रहती है, अलग अलग जगह आपको भगाने का काम नहीं करते वो।
तो ये आप देख सकते हैं मैंने कंप्लीट आपको वीडियो को समझाने की कोशिश किया है। शायद आपका वीडियो बहुत ही लंबा हो चुका है तो कैंडिडेट बोर हो जाएंगे इससे देखने के लिए, लेकिन जिन भी कैंडिडेट को कुछ भी अच्छा लगा हो इस वीडियो में तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें और लाइक करें। और आपको मैं कहूँगा कि जो भी आप टेलीग्राम है ग्रुप है उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको कंप्लीट अपडेट्स आपको मिलती रहती हैं। मैंने जो प्रोफाइल के बारे में कंप्लीट वीडियो पहले से बना चुका हूँ तो वह है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक कर सकते हैं, जिसमें आपके कंप्लीट आईडी कार्ड, कैंटीन कार्ड, कैसे आपकी प्रमोशन होता है, कैसा आपका पेमेंट मिलता है, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी आपको दी है, तो वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।